नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सीएए का किया समर्थन, कांग्रेस पर साधा निशाना। मेडल वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य दीपिका पादुकोण पर अनिल विज का हमला। खा पंचायत के समर्थन में बोले सीएम खट्टर, कहा एक ही गोत्र में विवाह करना वैज्ञानिक रूप से भी गलत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया है। साथ ही उन्होंने दीपिका पादुकोण के जेएनयू दौरे को व्यापारिक बताया। अनिल विज ने कहा कि दीपिका पादुकोण फिल्म प्रमोशन को व्यापार बना चुकी हैं, इसलिए उन्हें तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिल्म जगत की मेडल वापसी गैंग की भी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। ये मेडल वापसी गैंग के लोग सभ्य समाज में रहकर देश को बांटने का काम करते हैं। अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राहुल और सोनिया गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जेएनयू में जाने वाले नेता ही विवाद की जड़ हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि मोदी और मनोहर की सरकार में घोटालेबाजों को सजा होकर रहेगी, कोई भी घोटालेबाज इस सरकार से बच नहीं सकता। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर शुक्रवार पृथला के गांव सीकरी में व्हीकल अंडरपास के शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मनोहर जी की सरकार में किसी भी घोटाले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों को घाटा आ गया था, जिसकी वजह से पलवल और अन्य फ्लाईओवरों का काम बीच में रुक गया था, लेकिन अब जल्द ही काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। इस सरकार में कोई भी घोटालेबाज बच नहीं पाएगा, जिसने भी घोटाला किया उसको सजा होकर रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खाप पंचायत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि खाप पंचायत को एक बात जो लेकर बेवजह बदनाम किया जा रहा है। खाप का एक सूत्र जो मुझे ध्यान में आया है कि एक गांव के अंदर संगोत्र विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विज्ञान में भी सिद्ध हो चुका है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन किया है और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि इस बिल को बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष स्वयं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। उन्होंने कहा कि जो लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं, वे ही इसकी पैरवी करते थे। उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी के खिलाफ नहीं है, यह अधिनियम नागरिकता देने के लिए है और न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। शुक्रवार की सुबह बोलेरो और डंपर में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में दो नौजवानों की जान चली गई। हादसा हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ। मृतकों की पहचान अविनाश पुत्र शोक कुमार निवासी गांव मनेठी और हेमंत उर्फ कालिया पुत्र अजीत सिंह निवासी गांव मनेठी के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार अविनाश और हेमंत बोलेरो में सवार होकर रेवाड़ी से मनेठी जा रहे थे। जब वे कुंड हनुमान मंदिर के पास पहुंचे तो सामने से आ रहे डंपर ने उनके टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बोलेरो का प्रकच्चा ही उड़ गए और दोनों के मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। चरखी दादरी जिले के गांव रामलवास स्थित केशर जोन में बाइक सवार बदमाशों के द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जहां क्रशर मालिक ने आरोप लगाए हैं कि उक्त बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और धमकाने के बाद बदमाश फरार हो गए। वहीं दादरी पुलिस व डीएसपी शमशेर सिंह ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस स्टेशन चौथू कला के एरिया में एक कल देर शाम फायरिंग का जो मामला है वो सामने आया है, और जिसमें कानूनी कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और जो आरोपी हैं उनकी पहचान की जा रही है और जल्द ही उनकी पहचान करके गिरफ्तार किया जाएगा। अब शहरों की तर्ज पर गांव भी सफाई के मामले में चमचमाते नजर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम मनोहर लाल खट्टर के स्वच्छता अभियान को पंख लगाने के मकसद से विधायक घनश्याम सराफ ने पंचायती राज के एसीएस सुधीर राजपाल से मुलाकात की। विधायक श्री सराफ ने एसीएस के समक्ष ग्रामीण इलाकों में सफाई व्यवस्था बेहतरीन ढंग से पटरी पर लाने के मकसद से बताया कि हर ब्लॉक में सफाई कर्मचारियों की एक टीम का गठन हो और उस टीम को सफाई के सभी संसाधन मिले, ताकि हरियाणा का हर क्षेत्र साफ सुथरा दिखाई दे। गाँव की सफाई के लिए जो भी साधन, जो भी लोग उस सफाई में हमारा सहयोग करेंगे, और कुछ सरकारी तौर पर 10 प्रत्येक गांव के लिए सफाई कर्मचारी,
नियुक्त किए जाएंगे और एक गांव की सफाई जब हो जाएगी तो उन्हें दूसरे गांव में भेजा जाएगा। इस प्रकार की योजना से पूरा हरियाणा प्रदेश जो स्वच्छता की ओर ले जाना चाहते हैं वो होगा। और ये बात उनके अच्छी तरह समझ में आ गई कि ये जो गांव में एक दो व्यक्ति लगे रहते हैं उनसे ये काम होने वाला नहीं है, 10 आदमियों की टीम का उन्होंने ऐलान किया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।